संतों से चरण धूल मांगो मत, ये तो नाटक है मांगना। अरे संत जिधर से चल रहे हैं तुम्हारा भाव है तो उनको कहो क्यों अपने चरणों की रज दो, वो चल रहे हैं ना तो जहां चरण रखकर निकले वहां से रज उठा लो, रख लो जेब में, करो अभिषेक अपना, मांगो क्यों। संत का झूठे भी मत मांगो क्योंकि कोई संत नहीं देगा। क्या करो, उनकी सेवा करो थाली मांजने की, जो भी कण मिल जाए मांजते हुए तो ग्रहण कर लो। यदि संतों का चरणामृत चाहिए तो मांगते क्यों। संत जब स्नान करते नाली से ले लो जो पानी बह रहा है, वो नाली का पानी नहीं होगा, वो परम पवित्र है। भजन पूजा पाठ चिंतन करने से भी इतना जल्दी मन पवित्र नहीं होता जितना जल्दी मन पवित्र होता है संतों के चरणामृत से। संतों का चरणामृत, संतों की चरण रज और संतों का शीत प्रसाद, ये तीनों ऐसे पावरफुल होते हैं लेकिन ये बड़े दुर्लभ है, संत देते नहीं है। कृपा करके संत किसी को अपना प्रसाद दे दे तो इसका अर्थ यह है कि सामने वाला व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता, उसके ऊपर कृपा हो चुकी है संतों की। तो धाम जब भी पकड़ता है तो संतों के माध्यम से पकड़ता है।